आज हम लोग हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एक्सपेरिमेंट करेंगे मीटर एक्स एक्सपेरिमेंट बड़े ध्यान समझना बोर्ड प्रैक्टिकल्स से बहुत काम आता है मीटर ब्रज के बेसिकली आपके यहाँ तीन एक्सपेरिमेंट हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ अ वायर दूसरा है वेरीफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इन रजिस्टेंस और थर्ड है वेरीफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरल ठीक तो फर्स्ट अन रजिस्टेंस सेकेंड सीरीज कॉम्बिनेशन और थर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन आज हम लोग किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं आइए सबसे पहले देखते हैं मीटर ब्रिज होता कैसा है ये आपके पास मीटर ब्रिज है स्केल मीटर स्केल, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटन या मैंगनिन का ये वायर होता है एलॉय होता है बेसिकली स्टैंडर्ड आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता है कि हम कॉन्स्टेंटन या मैंगनिन ही क्यों लेते हैं वन मीटर स्केल के ऊपर ये फिट किया जाता है इसलिए इसका नाम होता है मीटर ब्रिज दोनों साइड ये देखो टू एल सेब्ड थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं एक ये एक ये दोनों तरफ से थोड़ा सा थोड़ा गैप लेके एक थिक कॉपर स्ट्रिप थर्ड होती है आप लेफ्ट फाइल में ये देख सकते हैं ये मीटर ब्रिज है आपका ये एक कॉपर स्ट्रिप ये कॉपर स्ट्रिप और ये मिड गैप में थोड़ी सी कॉपर स्ट्रिप थिक क्यों होती हैं क्योंकि आपको पता है रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मीन थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा आइए सबसे पहले समझते हैं कनेक्शंस और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर बैटरी एलिमिनेटर के फंक्शन समझ लो ये रेड और ये ब्लैक दो स्विचेस हैं यहाँ पे रेड मतलब पॉजिटिव होता है ब्लैक मतलब निगेटिव होता है वैसे तो आपके इंस्ट्रूमेंट में लिखा होगा अगर ना भी लिखा हो कहीं पर तो आप समझ जाएंगे कि रेड पॉजिटिव है और ब्लैक निगेटिव है एलिमिनेटर हमारे पास ज़ीरो टू फोर सिक्स एट 12 वोल्ट तक की बैटरी है ठीक है ये रजिस्टेंस बॉक्स होता है रजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है गिवन रजिस्टेंस जिसका रजिस्टेंस हमें पता है इसकी हम रेंज निकालते हैं रेंज सबसे पहले देखो यहाँ पे वन लिखा है और इधर लिखा हुआ है वन थाउजेंड तो इसका मतलब इसकी रेंज हो गई वन से थाउजेंड ओम तक की रेजिस्टेंस की ये अपने पास एक गेलवनोमीटर है ये वन वे की और ये एक जॉकी अब समझते हैं इनको कनेक्ट कैसे करते हैं तो कनेक्शन बड़े ध्यान से समझना ये आपके बोर्ड एक्सपेरिमेंट में बड़ा काम आने वाला है मीटर भी के ये दो एंड्स हैं। एक एंड से ये देखिए बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया गया वाया की ये कनेक्ट है दूसरे एंड से बैटरी का निगेटिव एंड हमने कनेक्ट कर दिया है जिधर से बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट होगा उधर गिवन रजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम रजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं ये देखो ये दो गैप थे इनके बीच में हमने ये दो रजिस्टेंस बॉक्सेस लगा दिए ठीक है जिस वायर का रजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है उसको दूसरे गैप में लगाते हैं मिड से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हम इस जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं कनेक्शन आपको समझ आ गए होंगे एक बार देख लेते हैं पॉजिटिव एंड एलिमिनेटर का मीटर ब्रिज के दूसरे एंड से कनेक्टेड है वायकी निगेटिव एंड आपका मीटर ब्रिज के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया गया है गिवन रजिस्टेंस बॉक्स अन रेजिस्टेंस रजिस्टेंस एक एंड बीच से कनेक्ट किया गया है और दूसरे एंड से जॉकी अब हम चेक करेंगे हमारे कनेक्शन सही हैं कि नहीं कनेक्शन सही कब होंगे जॉकी हम एक एंड पे टच कराएंगे गेलवनोमीटर का दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए जॉकी दूसरे एंड पे टच कराओगे गेल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे आना चाहिए अगर दोनों में अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है तो कनेक्शन सही है और अगर सेम साइड आ रहा है तो कनेक्शन गलत है आइए चेक करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया सर्किट में करंट बनाई एलिमिनेटर ऑन किया जॉकी लिया जॉकी को एक एंड पे टच किया ये देखिए तो देखो गेल्वनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है अच्छा अब इसी जॉकी को दूसरे एंड पे कनेक्ट किया तो देखिए दे मतलब मतलब गैल्वेनोमीटर सही हैं और नल पॉइंट के बीच में मिलेगा आप समझ आ क्या करना है जॉकी एक साइड टच करनी है दूसरी साइड डिफ्लेक्शन देगा जॉकी इधर टच करनी है दूसरी डिफ्लेक्शन देगा अब हमें पता करना है कि हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं ये वैसे तो आपकी टेबल है नहीं तो आप सीधा समझो एक नॉन रेजिस्टेंस आर का काम करेगा अन नॉन रजिस्टेंस एस का काम करेगा नल पॉइंट ढूंढेंगे वो पी की वैल्यू होगी और दूसरी क्यू की विथ स्टोन ब्रिस्ट प्रिंसिपल पर काम करेगा पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस तो यहां से वैल्यू निकालेंगे ये देखिए आपके सामने टेबल बनी होगी वैल्यू ऑफ नॉन रजिस्टेंस ये हमें जो गिवन होता है वो निकालना है ये बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको नहीं लिखना है फालतू बना हुआ टेबल में इस पर जो वैल्यू आएगी ये हंड्रेड माइनस एल क्योंकि हंड्रेड सेंटीमीटर है फिर एस इक्वल आर इन टू हंड्रेड माइनस एल अपन एल ओम कैलकुलेट करना है ये फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है ठीक है बेसिकली हम नल पॉइंट निकालते कैसे हैं उसे देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्किट देखिए गिवन रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने वन ओम को इंक्लूड किया जैसे मैंने ये हटा दिया इसका मतलब सर्किट में वन ओम का रेजिस्टेंस पता चल गया तो लेफ़्ट फाइल में देखो वैल्यू ऑफ नॉन रजिस्टेंस कितनी हो गई वन ओम oh. ठीक अब आपको क्या करना है जॉकी को पूरे वायर में टच करना है धीरे धीरे और देखना है गैल्वेनोमीटर कहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन देगा देखिए हम सबसे पहले इसको यहाँ पे टच करते हैं अभी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जा रहा है दूर जा रहा है थोड़ा और पास लाए अभी और दूर जा रहा है थोड़ा और पास लाए अभी भी गैल्वेनोमीटर दूर जा रहा है थोड़ा और पास लाए देखिए अभी भी दूर जा रहा है थोड़ा और पास लाए देखिए अभी भी दूर जा रहा है ठीक है थोड़ा और पास लाए और लेके आए इस तरीके से लाते जा रहे हैं दो गेलविनोमीटर आना शुरू हुआ आना शुरू हुआ देखो ये आपको दिख रहा होगा हम स्लाइडिंग जॉकी ले रहे हैं ये देखिए इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है आप गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी देख सकते हैं और जॉकी का टच पॉइंट भी देख सकते हैं ठीक है अच्छा अब हम बात करेंगे कि इसको मीजर किधर से करते हैं जिधर से बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट होगा उधर से हम वन कैलकुलेट करते हैं तो हमारी बैटरी का देखो पॉजिटिव एंड इस साइड से कनेक्ट है तो इसका वन ये है तो वन मतलब ये हमारा सिक्सटी नाइन रीडिंग आ गई ये देखिए रीडिंग सिक्सटी नाइन आ रही है तो एल की वैल्यू हम कॉपी में लिखेंगे सिक्सटी नाइन हंड्रेड माइनस एल किया हंड्रेड माइनस सिक्स कितना हो गया 31 तो s कितना कैलकुलेट हुआ 1 इन टू थर्टी वन अपॉन सिक्स जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे ही आपको तीन से चार रीडिंग और लेनी है तो आप देखिए फाइल में हम इसको कैसे लेंगे नॉन रेजिस्टेंस टू ओम ले लेंगे थ्री ओम ले लेंगे और फोर ओम ले लेंगे चार रीडिंग लेंगे इसी तरीके से हर बार नल पॉइंट की रीडिंग निकालेंगे वो हंड्रेड माइनस एल करेंगे फिर एस निकालेंगे तो चार आपके पास एस की वैल्यूज जा आ जाएंगी मीन अन नोन आ जाएंगे इनका मीन करेंगे चारों को ऐड करेंगे और फोर से डिवाइड करेंगे वो मीन एस होगा दैट विल बी योर अन रजिस्टेंस मीन रिजल्ट होगा फाइल में क्या क्या लिखते हैं क्योंकि मेरे पास रिटर्न फाइल है मैं दिखा दूँ आपको फाइल में आपको लिखना क्या क्या होगा एम लिखते हैं रिक्वायरमेंट जो जो आपने रिक्वायर्ड किया अब एक चीज देखो यहां पे हमने क्या किया है सीधा बैटरी एलिमिनेटर लगाया है तो आप डेनियल सेल या लिकलानसिया सेल से की जगह आप सीधा बैटरी एलिमिनेटर लिख देंगे क्योंकि कुछ ऐसा ना लिखे जो आपने लैब में ना किया हो ये तो अभी मेरे पास क्योंकि बुक की फाइल है इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ वहाँ पर जो आपने किया वही लिखना होता है थ्योरी में प्रिंसिपल में आप वीट ब्रिज का प्रिंसिपल लिख दें डायग्राम बना दें इससे ज़्यादा नहीं करना होता ये एक डायग्राम बनेगा प्रोसीजर आप लिखते नहीं हैं लैब फाइल का नियम होता है टेबल रिजल्ट प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर तो इस तरीके से आप अपनी लैब में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इतना रिटर्न प्रोसेस था एक बात बच्चों और आप लोगों को बता दूं जब भी आप फाइल में लिखना शुरू करें तो एक लाइनिंग पेज राइट साइड होता है एक लेफ्ट में होता है लेफ्ट में डायग्राम कैलकुलेशन होती है कई सारे बच्चे ऑब्जर्वेशन टेबल लेफ्ट में बनाते हैं वो गलत है आपको राइट right में ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है और सिक्वेंस मैनेज करना होप ये प्रैक्टिकल क्लियर हो गया होगा अगर कहीं पे भी ना समझ आया हो तो इसी वीडियो में कमेंट कर देना मैं दोबारा से आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूँगा ओके बेटा थैंक यू